में तकरीबन पूरा दिन लग गया भैया इंट्रो में, अब देखते फाइनल लुक कैसा है। तो यार आज बनाने को कुछ भी नहीं था, सही है, और मैंने इंट्रो बनाई जो आपने शुरू में देखी ना, इसमें तकरीबन पूरा दिन लग गया कसम से। तो है एनीवे, ब्लॉग में थोड़ा एनर्जी डालते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम तमाशा भाई यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद सलमान खान आबाजे, जो भी आप कह लें एम एस के। तो कैसे हो यार, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और हैरत से होंगे। और दूसरी बात ये कि भाई हमारे ना मतलब मोटिवेशन लेवल मुकम्मल ज़ीरो हो चुका था, तो एक डायलॉग मुझे याद आ रहे हैं, हाथ दे चाह रहा था, मतलब नहीं कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई थी, मतलब हमें तकलीफ ना डील करना होता है। इस डायलॉग को याद करने में भी 3 दिन लगे। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। सो टुडे व्लॉग इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन, योर स्टोरी टेलिंग एंड योर व्लॉग। तो आज की वीडियो का मकसद यही है, इन 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन मकसद एक ही है कि मतलब हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्टोरी टेलिंग, योर व्लॉग, योर प्रेजेंटेशन। तो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा तकरीबन 2-3 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि मतलब आप कैसे अपना स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, या मतलब ब्लॉगिंग कैसा कर सकते हैं। ब्लॉगिंग तो मैं बहुत अर्से से कर रहा हूँ, और प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन तकरीबन अभी 2 साल हो गए है हमारे को कॉलेज में, तो मैं करता हूँ, तो मतलब ताली वाली बजती है हमारे लिए सही है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो एक अच्छी ब्लॉग के लिए आपको स्टोरी की ज़रूरत होती है, और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक अच्छा टॉपिक चाहिए होता है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे, सही है, सही है। सो व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? ए प्रेजेंटेशन इज़ ए स्पीच और टॉक आर समथिंग दैट यू शो और एक्सप्लेन टू एन ऑडियंस, आर इट्स कैन बी आइडिया, इट्स कैन बी योर थाट्स, सो यू कैन शेयर विद योर ऑडियंस, सो इट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन। मतलब आप कुछ दिखाना चाहते हैं या कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। और इसी तरह ब्लॉग भी है, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, या मतलब कुछ वीडियो में बताना चाहते हो, या कुछ दिखाना चाहते हो, या एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो वो ब्लॉग होता है, वो ब्लॉग कहलाता है, सही है। मतलब आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो दैट्स कॉल्ड ब्लॉग, दोनों सेम ही है। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, सही है बहुत रिसर्च किया मैंने आज, तो ये दोनों सेम है, तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहिए होता है, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट रहे। तो मैं आपको बताऊँगा, सही है, देखते रहो, इट्स विल हेल्प यू, सही है। तो भाई मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें पहले नंबर पे है प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर, सही है तो दूसरों के सामने बात करो, मतलब मैं अपना बता देता हूँ, मैं जब मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू भी नहीं करी थी, तो मैं आईने में बात करता था, सही है। और मैंने जब पहले प्रेजेंटेशन दी थी, तो 9th क्लास में दी थी, और लड़कियों ने भी आपकी बाइक के लिए ताले बजाई थी, सही है, मैं सही बता रहा हूँ। तो मतलब अगर आप दूसरों के सामने बात करोगे ना, तो प्रेजेंटेशन और ब्लॉग, पब्लिक में ब्लॉग या प्रेजेंटेशन अपने क्लास में, हाँ तुम मतलब यू विल किल इट, सही है। तो दूसरों के सामने बात करना सीखो, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए ब्लॉग करना या प्रेजेंटेशन करना या स्टोरी टेलिंग जो भी है, सही है। तो पहले नंबर पे है कि टॉक इन फ्रंट ऑफ अदर, दूसरों के सामने बात करो। तो अगर फिर ऐसा कोई मौका आए प्रेजेंटेशन या ब्लॉग या कैमरे के सामने बोलना, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये पहला नंबर पॉइंट था, सही है। तो दूसरे नंबर पे जो है हमारे साथ, वो है यूज़ लेस टेक्स्ट एंड मोर विजुअल इन योर प्रेजेंटेशन, सही है। मतलब अपने बोर्ड इतना लंबा ना पुल करें, सही है, इतना टेक्स्ट ना लिखे अपने बोर्ड पे, या कहानी को इतना लंबा ना करें ताकि लोग बोर हो जाए, सही है। सिंपल रखो, छोटा रखो, और बातें ज़्यादा करो, ताकि आपके साथ लोग इंगेज रहें। तो ये टिप नंबर या पॉइंट नंबर 2,
सही है। तो थ्री पे जाते हैं कि थ्री में क्या होता है। सही है। तो तीन नंबर पे हमारे साथ है बी पेशनेटिव एंड एंगेजिंग, मतलब अपने काम से काम रखो और पेशनेट रहो और एंगेजिंग रहो, मतलब अगर आपका ऑडियंस बोर हो गया है, आपका स्टूडेंट बोर हो गया है तो कुछ लतीफ़ा सुनाओ। ये हमारे टीचर का एक्सपीरियंस है, उसने ये बताया कि कुछ लतीफ़ा सुनाओ या कुछ ऐसे मतलब मजाक करो कि लोग इंगेज रहें या आपके साथ वो मतलब थोड़ा खुश रहे, बोर ना हो। तो इंगेजिंग बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन के लिए या स्टोरी के लिए, ब्लॉग के लिए, जो भी हो। सही है। तीन नंबर पार्ट भी हो गया। तो अब चार नंबर जो हमारे साथ है, मेंटेन आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस, मतलब अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। ऐसा नहीं कि हाँ भैया ये हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री में आज मतलब उनको देखो भैया, या तो ज़्यादा बोर्ड को भी मत देखो। सही है। दो तीन लफ्ज़ लिखो, फिर अपने ऑडियंस के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ या जो भी है आपके साथ बैठे हुए, तो उनके साथ आई कांटेक्ट रखो। तो इट्स विल हेल्प योर ऑडियंस और वो आपके साथ इंगेज भी रहेगी। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। सही है। अगर मैं ब्लॉग करूँ तो भाई मैं कैमरा तो इधर है तो मैं उधर क्यों देखूँ कि मैं स्टोरी सुना रहा हूँ और मैं उधर देख रहा हूँ कि भाई हाँ भैया हम गए थे तो कुमराट गए थे और प्लानट इंसान। सही है। तो सीधा देखना चाहिए, तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया चार नंबर पॉइंट। तो अब पाँच नंबर पे आते हैं कि पाँच नंबर में क्या है। सही है यार, मुझे लग रहा है ये वीडियो थोड़ी बकवास है। पता नहीं, आई डोंट नो, बस है फिर भी देखूँ क्या पता आपको हेल्प मिले इससे। कंटेंट नहीं था ना इसलिए, और संडे था तो मैं जाया तो नहीं होने दूंगा मैं संडे को, क्योंकि घर में अकेला होता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूरी है। पंच नंबर पे हमारे साथ है ग्रेट बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पीछे हाथ रख के ऐसे बात कर रहे होते हैं, मतलब लोग आपसे डर रहे होते हैं कि भाई आप क्या कहेगा, नहीं ये नहीं चलेगा। आप नॉर्मल रहें और ऐसे हाथों के भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो मतलब इधर उधर से ये पीछे कभी उधर कभी उधर। तो डोंट यूज़ योर हैंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। आप वेलकमिंग रहें, मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ आप खड़े रहें और इधर उधर ना देखें, बोर्ड को देखें और ऑडियंस को देखें। तो ये अपने मतलब जो ऑडियंस है ना उन पर बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा कि भाई एक अच्छा बंदा है, अच्छा प्रेजेंटर है। तो वो मतलब हेल्प करेगा आपको कि भाई पर्सनालिटी अच्छी है बंदे की, कभी आप ऐसे कर रहे होते कभी ऐसे, और मतलब बातें भी अच्छी मतलब स्ट्रॉन्ग करनी होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए कि हाँ भैया बंदे में कुछ है। सही है, कुछ दम है इसमें। तो बॉडी लैंग्वेज पाँच नंबर सही है, हो गया। नेक्स्ट छः नंबर क्या है। तो मैं बताता हूँ भैया मैं किस लिए हूँ, छः नंबर पे भी आपको बताते हैं, वेट करो। तो छः नंबर पे हमारे साथ है बी प्रिपेयर बिफोर योर प्रेजेंटेशन, मतलब तैयारी करो, रिसर्च करो, मच्छर तो मेरे से आज जहन्नम जाएगा भैया। तो बी प्रिपेयर फॉर योर प्रेजेंटेशन, फॉर योर ब्लॉग। लोगों ने मेरा डीएम भर दिया कि भैया जब भी आप लोग कर रहे होते तो डायलॉग याद किया करो। तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो या मतलब कोई तैयारी करते हो तो उसके लिए वो आपको याद होना चाहिए, आपको पुल कमांड होना चाहिए कि भाई बी प्रिपेयर फॉर इट, कि आपको मतलब वो चीज़ आती हो। अगर कोई आपसे क्वेश्चन भी करे ना तो वो आपको याद होना चाहिए, आपको मतलब पुल कमांड होना चाहिए उस चीज़ पे। तो सिक्स नंबर पे बी प्रिपेयर फॉर योर प्रेजेंटेशन, फॉर योर ब्लॉग। ब्लॉग के लिए आप स्क्रिप्ट लिखे और प्रेजेंटेशन के लिए आप गूगल या मतलब जहाँ से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट करें। सही है। और मच्छर मेरे से आज मौत खाएगी। बी प्रिपेयर सिक्स नंबर हो गया, सिक्स नंबर हो गया। आप सात नंबर बी पर्सनेबल, मतलब पर्सनल रहो, ऐसे स्माइल करते रहो ताकि लोग आपके साथ रिलेट करें, मतलब ऐसे गुस्से वाले ना रहो। सही है।
आप हंसी मजाक किया करो। बीइंग पर्सनेबल मतलब यही है कि भाई लोगों के साथ आप मतलब इंटरेक्ट, आई कांटेक्ट, और वो उसको लगे कि हाँ भैया ये भी हमारी तरह एक बंदा है, मतलब एक प्रेजेंटर है, तो उनको लगे कि हाँ ये हमारी तरह ही है और हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो बीइंग पर्सनेबल 7 नंबर हो गया। बस शॉर्ट रखते हैं, बाकी वीडियो को इतनी लंबी नहीं करनी मैंने, तो यही सही है। लास्ट आई थिंक लास्ट पॉइंट है 8 नंबर। तो 8 नंबर, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, मतलब ब्लॉग को और प्रेजेंटेशन को लंबा ना करे भैया, कोई सुनने वाला नहीं है फिर। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट कि भाई कीप इट स्मॉल, शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब लोग वो सिंपल तरीके से समझा सके तो समझाओ, नहीं तो कीप इट सिंपल एंड स्मॉल, दैट्स इट। तो आज की वीडियो होती है ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।